गाइस वेलकम बैक टू मानसी लव फैशन। माय नेम इज मानसी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी इन टाइटल, आज आपके साथ में क्या शेयर कर रही हूँ। यस यू आर राइट, आज मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। यस, मैंने वो स्टैम्प बाय कर लिया फाइनली, और मैं ये सोच रही थी कि मैं कब इसे बाय करूँगी। बहुत सारे मैंने इसके कुछ ट्यूटोरियल्स टाइप के देखे थे, कुछ इसके फोटोज़ वगैरह देखे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि ये क्या है, कैसा है, रियली ये वर्क करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि पहले देख लेते हैं ये मुझे किस तरीके से रिसीव हुआ है। तो ये मुझे रिसीव हुआ है इस तरीके के छोटे से बॉक्स में। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, 350 रुपये का मुझे मिला है। इस तरीके से ये बॉक्स में मुझे ये बबल प्लास्टिक में रैप होके ये छोटे से पैकेट में मुझे मिला है, और ये लुक लाइक आपका ऐसा है। यू कैन सी गाइस, ये कैसा थोड़ा सा रबर टाइप का आप देख रहे हो, ये बहुत ही फ्लैक्सी है, बहुत ही रबर टाइप का है ये, और ये इसका पूरा रबर बहुत ही फ्लैक्सी है, और पूरा ये जो इसमें कॉर्नर्स बने हुए हैं आप देख रहे हो, बिल्कुल आईज कट क्रीज जो आप हम बनाते हैं ना, उस तरीके से इसमें ये शेप बना हुआ है। और आपको यदि मैं बताऊं तो इस तरीके से आप यदि आईज एकदम क्लोज करोगे इस तरीके से, तो बस ये आईज के ऊपर आपके फिट होगा इस तरीके से। एज यू कैन सी गाइज, इस तरीके से ये कट क्रीज क्रिएट करेगा आपके आईज पे, इसको यदि आप इस स्टैम्प को यूज करते हो तो। और मैं आपको बता दूं, ये जिनकी आईज छोटी है उनके लिए पूरा इस स्टैम्प ये काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि मेरी भी आईज छोटी है, तो मेरे भी आईज पे ये पूरा काम नहीं करेगा। तो मैं इसकी हेल्प से सिर्फ कट क्रीज की क्रिएट करने की हेल्प लेने वाली हूँ, और देखती हूँ कि मतलब ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले आप देख रहे हो मैंने लाइनर तो लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं इसके ऊपर आई मेकअप करेंगे थोड़ा सा हल्का सा, कि देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हल्का सा आई मेकअप करना। मैं आई मेकअप के लिए यूज़ करी हूँ ब्यूटी ग्लेस्ट की टेक्सचर्ड पैलेट, जिसमें से मैं बहुत ही एक नॉर्मल सा न्यूड कलर पिक कर रही हूँ। बहुत ही न्यूड कलर मैंने पिक किया है, जो शेड का काम करेगा सिर्फ, उसको मैंने इस ब्रश से पिक किया है। और अब मैं इसको लगाऊंगी अपने आईज पे। ये गलत तरीका है कि मैंने ऑलरेडी लाइनर लगाया हुआ है, लाइनर के ऊपर नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं इसमें आपका वो नहीं चेक कर रही हूँ कि हम लाइनर लगा रहे हैं या पूरा आई मेकअप कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प का यूज़ बता रही हूँ कि कैसे स्टैम्प यूज़ होएगा, इसका सिर्फ आपको रिव्यू कर रही हूँ यहाँ पे। दैट्स वाई मैं इतना, ये मैंने न्यूड कलर से शेड ले लिया है नीचे, और इसके बाद अब हम थोड़ा सा कोई एन अदर कलर पिक करेंगे, थोड़ा सा लाइट शेड, बरगंडी कलर का लाइट शेड है इसमें एक, उससे मैं शेडिंग दे रही हूँ कट क्रीज जो होती है क्रीज लाइन के ऊपर की, शेड दे रही हूँ मैं सिर्फ इससे। एज यू कैन सी गाइज, मैंने हल्के बरगंडी कलर से शेड दे दिया है, और सेम फैमिली कलर का मैं एक कलर और यूज करने वाली हूँ, जिससे भी हम हल्की सी कट क्रीज सी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जैसा कि हमें इसका यूज करना है उस तरीके से ये सच में वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टैम्प, ये है मेरे पास, और इसको हम मैं अपने लेफ्ट आईज पे इस तरीके से रखूंगी, तो मुझे यहाँ पे इसे कंसीलर लगाना है, तो मैं सिर्फ इसके कॉर्नर्स पे कंसीलर लगा रही हूँ ताकि मुझे हेल्प मिले।
देख लेते हैं। ये दोनों मैंने ये स्टैम्प से बनाई है और ये मैं अपने हैंड से बनाने वाली हूँ, तो देखते हैं कि कौन सी ज्यादा बेटर है। शार्प है बट इसमें मैं देखूं तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा शेप गड़बड़ सा लग रहा है, बट इसमें देखूं तो बल्कि अभी इसमें शेड देना पड़ेगा। मीन्स हम एकदम से कट क्रीज क्रिएट करें तो ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि सबके आईज का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। ये मेरे आईज के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, जो कि मेरे आईज पे ना प्रॉपर बड़ी कट क्रीज क्रिएट करी है और बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। या फिर मैं कहूँगी इसको इसको यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा और यूज टू होना पड़ेगा, इसके लिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके बाद अब क्या करते हैं, हम एक जो बरगंडी शेड है उससे हल्का सा शेड डार्क लेके, मेरे पास चार कलर हैं बरगंडी शेड में, तो इससे हल्का सा कलर डार्क लेके अब हम इसको शेड करेंगे। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है, बस मैं लाइनर और मस्कारा नहीं लगा रही हूँ। एज यू कैन सी कि आप मुझे बताओ इन दोनों में से बेटर कौन है, लेफ्ट आईज, ये लेफ्ट आईज बेटर है या फिर राइट आईज बेटर है? क्योंकि मेरे हिसाब से लेफ्ट आईज इज क्वाइट गुड और राइट आईज जो है वो थोड़ी सी मतलब शेडिंग टाइप का हो रहा है, शेड शेड जैसा क्रिएट हो रहा है सिर्फ। और आई थिंक यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है कट क्रीज क्रिएट करने की, क्रीज लाइन क्रिएट करने की, देन यू डोंट नीड स्टैम्प कि आप उसको स्टैम्प को परचेज करो। यदि आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, आप बिल्कुल भी कट क्रीज क्रिएट नहीं कर पाते हो, देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू मच। क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ, जैसे कि मुझे बिल्कुल भी कट क्रीज क्रिएट नहीं करने आता, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, यदि मैं बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर पाती तो दैट टाइम ये मेरी बहुत हेल्प कर रही थी कि आप देख रहे हो कि इस तरीके से इसने कट क्रीज क्रिएट किया और उसके बाद फिर मैंने इसको शेडिंग दे दी तो काफ़ी डिफरेंट सा दिख रहा है मुझे, जो कि एक जो नीचे है वो डार्क, ऊपर का अलग कलर दिख रहा है, बहुत सही सा मिक्सचर आया है जो कि अच्छा लग रहा है। सो ये यदि आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको कट क्रीज क्रिएट करना है और आपको नहीं आता है तो आप ये स्टैम्प लेते हो तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा आगे इसको यूज करके, आई शेडो आपको यूज करने में, आई शेडो आई का मेकअप करने में। यदि आपको नहीं आता है तो ही ये वर्थ बाइंग है आपके लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ इसे रिव्यू के पर्पज से परचेज किया है, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि आई शेडो आई मेकअप इजिली कैसे कर सकते हैं, कुछ टूल्स बताइए, कुछ एन अदर चीजें बताइए जिससे कि हम बहुत इजिली क्रिएट कर ले। तो ये भी एक टूल है जिससे कि आप अपना आई मेकअप ना बहुत इजिली क्रिएट कर सकते हो यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो। दिस इज अ वेरी सिंपल वे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरे आई शेडो स्टैम्प का रिव्यू। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर योर लव। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइज।